हेलो दोस्तों, मैं स्वदेश गुप्ता, मैं आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर होने जा रहा है दोस्तों, इसी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के ऊपर। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और सारे के सारे टाइप्स हम इंडिविजुअली एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटर क्या है दोस्तों? ऑपरेटर इज़ अ सिंबल गिवन टू एन ऑपरेशन दैट ऑपरेट्स ऑन सम वैल्यू। ये एक तरह का सिंबल होता है, कोई भी किसी भी दो ऑपरेंड या दो से अधिक ऑपरेंड के बीच हमें इस्तेमाल करना होता है इसे। इट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस। कोई भी हमें मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन करना होता है तो हम ऑपरेटर की सहायता लेते हैं। जैसे प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, कोई भी हम दो ऑपरेंड के बीच अगर एडिशन करना होता है तो हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर यूजेज। तो ऑपरेटर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो सारे के सारे टाइप्स जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। तो आगे हम जानेंगे इन सभी के बारे में और सारे के सारे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले आता है दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं सारे के सारे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू उसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 5 हम ले, तो अगर हम इसे ऐड करना चाहते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 15। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 50, डिवाइड करना चाहते हैं तो 2, और अगर ये दोनों के बीच अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 0। तो ये सारे के सारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो सेकंड आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। द वैल्यू इज़ असाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इक्वल टू को लें, अगर a इज इक्वल टू 10 है तो 10 जो है वो a में असाइन है। यही असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है कि कोई भी वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू वो उस वेरिएबल में असाइन कर देगा। तो थर्ड आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑपरेंड्स। तो अगर कोई भी दो ऑपरेंड है, अगर दोनों के बीच हमें कोई रिलेशन फाइंड आउट करना होता है या चेक करना होता है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर की सहायता लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के। तो सबसे पहला है ग्रेटर देन। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है, अगर कंपाइलर को पता चलता है कि अगर वाकई में ए ग्रेटर देन बी है तो ये ट्रू स्टेटमेंट देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। वैसे ही कुछ और भी ऑपरेटर्स है, लेस देन है, और अगर दोनों के दोनों ऑपरेंट्स अगर इक्वल हैं तो हम डबल इक्वल टू जो ये आपको दिख रहा है ये ऑपरेटर की सहायता लेते हैं। ये भी रिलेशनल ऑपरेटर्स के एक टाइप है। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू दिख रहा है इसे हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है तो अगर कंपाइलर को सच वाकई में लगता है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है तो वो ट्रू स्टेटमेंट देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। फोर्थ आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर हमें कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन करना होता है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कम्बाइन टू बोलियन एक्सप्रेशन टुगेदर एंड रिजल्ट्स अ सिंगल बोलियन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंड एंड ऑपरेटर यूज्ड। इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई भी दो बोलियन एक्सप्रेशन है अगर हमें उसे कम्बाइन करना होता है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू उसे कम्बाइन कर सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो सिंगल बोलियन वैल्यू में आएगा। जैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर के एग्जाम्पल पर जाएँ तो बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले होता है एंड। अगर कोई भी दो एक्सप्रेशन, अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होगी तभी कंडीशन ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जैसे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड ए इज लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर दोनों कंडीशन अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और के केस में ये जो होता है ये और होता है। अगर और के केस में क्या होता है कि जो दोनों एक्सप्रेशन है अगर दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा। अगर दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। और लॉजिकल नॉट, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट दी गई है, जैसे ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, चाहे ए इज़ ग्रेटर देन 1 जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, तो अगर ये फॉल्स होता है
अगर हम इसका नॉट निकालें तो अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे लॉजिकल नॉट क्या करेगा, इसे इसे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेके जाएगा और ये जो स्टेटमेंट जो फॉल्स है इसे ट्रू कर देगा, मतलब जो भी हम वैल्यू यहाँ पे देंगे उसका उल्टा यहाँ पे हमें शो करेगा। फिफ्थ नंबर पर आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन अ बिट और बाइनरी लेवल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये सिर्फ बाइनरी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, जैसे ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 6, हमने एक दो इनपुट्स लिए हैं। ए इज इक्वल टू 5 का बाइनरी फॉर्म है 101 और बी इज इक्वल टू 6 का बाइनरी फॉर्म है 110। तो अगर हमें इन दोनों का अगर कोई भी लॉजिक फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, ये कुछ बाइनरी सॉरी बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। जैसे ये होता है बिटवाइज एंड, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 6 का यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, ये दोनों बाइनरी फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हमने एक बार ध्यान दीजिएगा, 1 जो है उसे हमने ट्रू एज्यूम किया है और 0 जो है उसे हमने फॉल्स एज्यूम किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर दोनों वैल्यू अगर ट्रू होगी तभी हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। जैसे 1 0 है तो एक वैल्यू फॉल्स हो गई तो फॉल्स, एक वैल्यू फॉल्स एक वैल्यू ट्रू है फॉल्स, एक वैल्यू ट्रू एक वैल्यू ट्रू है तभी ट्रू मिल रहा है। और में क्या होता है, और में अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है तब भी हमें ट्रू मिलेगा, दोनों वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए तब भी हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटवाइज एक्सऑर कैसे परफॉर्म होता है, जो दोनों जो वैल्यू है, जैसे अगर दोनों वैल्यू अल्टरनेट है, जैसे 1 0 1 1 है, 1 1 1 0 है, तब वहाँ पे ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। अगर दोनों वैल्यू अगर सेम हो गई, जैसे 1 और 1 है, तो यहाँ पे फॉल्स कंडीशन आएगा। और यहाँ पे अल्टरनेट है, आप देख सकते हो अल्टरनेट है तो ट्रू आएगा, अल्टरनेट है तो ट्रू आएगा, दोनों सेम है तब भी फॉल्स आएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज ए यूनरी ऑपरेटर यूज टू इंक्रीज एन इंटीजर वैल्यू बाई 1 और डिक्रीज इट बाई 1। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये एक तरह का यूनरी ऑपरेटर होता है, यानी कि ये सिर्फ एक ऑपरेंड का ऑपरेटर होगा और ये हर एक नेक्स्ट वैल्यू के लिए 1 ऐड करते जाएगा या 1 डिक्रीज करते जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर ऑफ टू टाइप्स, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ए इज इक्वल टू 10 का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए प्लस प्लस, यानी कि ये क्या है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, यानी कि ये ऐड करेगा 1 आगे, तो 10 प्लस 1 11 हो गया। ये है प्रीफिक्स, यानी कि पहले 1 ऐड होगा फिर रिजल्ट आएगा 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11। और डिक्रीमेंट भी वैसे ही काम करेगा, बट ये घटाएगा एक वैल्यू, 1 सब्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 माइनस 1 9, 1 माइनस 10 तब भी 9, ये होगा पोस्ट फिक्स के लिए, ये होगा प्रीफिक्स के लिए।